अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद आरफा चैनल। और मैं हूँ आरफा, और आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम बटर मसाला, और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये सब्ज़ी। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो पर एंड तक, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मशरूम लिया है, मशरूम लाया मैंने मार्केट से, तो बहुत ही इसमें डस्ट था, तो इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने कट किया है। एक एक को मैंने चार हिस्से में कट किया है, तो देखें इस तरीके से मैंने कट किया है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें मसाले को यूज़ करेंगे वो आगे दिखाते हैं। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और अब हम कढ़ाई में शामिल कर रहे हैं बटर। बटर को चारों तरफ हम फैला लेंगे, और इसमें मशरूम को हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें हल्दी को शामिल करूंगी, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर को शामिल करेंगे, ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए, इसलिए हल्दी और मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और इसको बढ़िया से हम फ्राई करेंगे। मशरूम ने हल्का पानी छोड़ दिया है, तो पानी भी इसमें सूख जाएगा फ्राई करने से, और मशरूम बहुत मुलायम सा होता है, ये जल्दी कुक हो जाता है। तो मशरूम बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। सौते कर देने से इसका जो टेस्ट है दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, अब मैंने ले लिया है प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च 3 लिया है, और 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने मोटे शेप में कट किया है, और अदरक मैंने छोटे साइज़ में टुकड़ा लिया है, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। तो इसे मैं स्टीम करूँगी, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है मैंने, इसे भी इसमें शामिल करूँगी। 9 से 10 काजू लिया है हमने, इसे भी इसमें ऐड करूंगी। तो देखिए मैंने खड़ा गरम मसाला ले लिया है, यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और ले लिया है मैंने दालचीनी 2 टुकड़े में, ये देखें, और लाल मिर्च लिया है खड़ी 3 लिया है मैंने लाल मिर्च, और कबाब चीनी लिया है 9 से 10, और तेज पत्ता लिया है, और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची लिया मैंने। तो इसे भी इसमें शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी को शामिल करूंगी, हाफ मैंने मशरूम को फ्राई करते वक्त डाला था, और हाफ इसमें डाल रही हूँ, इसका मतलब पूरे 1 टी स्पून हल्दी शामिल होना है इसमें 250 ग्राम के हिसाब से। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और मैं इसमें पनीर मसाला को ऐड कर रही हूँ। पनीर मसाला मैंने 1/2 टेबल स्पून यूज़ किया है, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैंने स्वाद अनुसार दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी डाल के इसको मैं स्टीम करूँगी। और अब मैं शामिल करूँगी इसमें क्यूब्स शेप में कट किया बटर को, इसे मैं शामिल कर लेती हूँ, और इसे मैं ढककर स्टीम करूँगी 20 से 25 मिनट के लिए।
जब मैंने इसे ढका था तो फुल फ्लेम था, तो अब मैं इसे लो फ्लेम पर कर दे रही हूँ। तो माशाल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं स्टीम करने के लिए, मैंने रखा था। बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है, मैंने बीच में चेक भी किया था और पानी मैंने 1 से 1.5 गिलास यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह, अब इसे हम ठंडा करके जार में पीस लेंगे और पानी को बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे, पानी को भी रखेंगे। पानी हम साइड में निकाल लेंगे और इस तरह से हम प्लेट में इसको निकाल कर ठंडा करेंगे। तो मैंने प्याले पर स्ट्रेनर को रख लिया है और इस जो मसाले वाले पानी है उसे मैं छान लूँगी। तो मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है यहाँ पर। तो अब मैंने एक स्ट्रेनर फिर से ले लिया है और इसमें मैं मसाले को डालकर इसे छान लूँगी और जो पानी मैंने साइड में रखा है उसे डाल डाल कर छानूँगी, ठीक है। जो भी इलायची के पत्ते वगैरह है सब इसमें निकल जाएगा, ठीक है। देखें जो भी एक्स्ट्रा पत्ते थे सब मैंने निकाल लिया स्ट्रेनर से और बिल्कुल अंदर स्मूथली सा पेस्ट जा चुका है। वो पानी जो मैंने साइड में रखा था मसाले वाला उसे भी डालकर मैंने छाना है, ठीक है। तो अब चलिए गैस के फ्लेम को वापस से ऑन कर लेते हैं। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, माशाल्लाह देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्मूथली सा पानी डाल डाल कर थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन इसे हम चलाते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से इस ग्रेवी को पका लेंगे। उसके बाद तो आप तो जानते हैं फ्राई करने से बहुत अच्छे से गल जाता है मशरूम, बहुत जल्दी पक जाता है। तो बस ग्रेवी रेडी होती ही मैं इसमें मशरूम को शामिल कर दूँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारा ग्रेवी बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो बस अब हम इसमें कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। तो देखें मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है, बस इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे और तब इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब देखें यहाँ पर ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मशरूम को। और मशरूम डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मशरूम बटर मसाला रेडी हो चुका है। इसे अब हम सर्व करके आपको दिखाएंगे और उसमें क्रीम भी शामिल करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।